गृहस्थ आश्रम में रहकर भी मनुष्य अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है, इसके लिए विरक्त होने की जरूरत नहीं है। योगी इसके पक्ष में नहीं है, सन्यासी भी इसके पक्ष में नहीं है। वो कहते हैं संसार पूरा त्याग करो। अब साहब क्या कह रहे हैं, सो सद्गुरुमय भावे जो आवागमन नशावे, और भोग में योग दिखाए। गृहस्थ में रहकर भी नियम में रहे तो मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा। इसलिए गृहस्थ आश्रम में भी जनक आदि बहुत बड़े ऐसे ग्रस्त हुए जो परम पद की प्राप्ति किए। पर ग्रस्त के लिए एक बात है, वो अपना कल्याण कर सकता है, संसार का नहीं। ग्रही होकर कथे ज्ञान, अमली होकर धरे ध्यान, साधुओं के कूटे भग कहे कबीर ये तीनों ठग। जब मैं ये बात बोलता हूं तो लोग बहुत खफा हो जाते हैं। साहब ने मोक्ष के लिए तो ग्रस्त व्रत व्रक्त दोनों को दर्जा दे दिया, दोनों को दिशा दे दी है, पर गुरुत्व के लिए उन्होंने ग्रस्त को वर्जित कर दिया। ग्रस्त गुरु कहो न कीजिए, इनको दूर ही थे तज दीजिए। ये मेरी वाणी नहीं है, साहब की है।